खिलाफ भी लिया हुआ, खासतौर पर एक एसोसिएशन है इस वक्त। मेरे ख्याल हम लोग फलस्तीन के साथ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को ऐसे एसोसिएट उनके साथ करें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन डू यू थिंक आर्मगेडन और द फाइनल क्रूसेड इज बीइंग स्टार्टेड और व्हाट? जी, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ। जो हदीस मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक तो यस, आई बिलीव के इट हैज स्टार्टेड, बिकॉज देर इज हदीस के जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी जंगों का आगाज होगा। बिल्कुल सही हदीस है। तो जेरूसलम की आबादी, इट इज मे बी रेफरिंग टू द रीसेटलमेंट ऑफ ज्यूज इन दैट एरिया, और मदीना की वीरानी ये अभी जो हो रहा है, रीसेटलमेंट हो रही है या अभी? डेफिनेटली देखिए, 90% ऑफ द एरिया इट हैज गॉन टू द ज़ायनिस्ट ज्यूज। मैं इसलिए क्लियरली नहीं कहता बिकॉज ज्यूज में अच्छे लोग भी हैं एंड दे आर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल, दे आर अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक्स, और वो मानते हैं कि नहीं गलत हो रहा है। तो आई विल कॉल देम ज़ायनिस्ट, द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट ज्यूज। तो 90% एरिया, बल्कि 95% उनके पास है, और अब ग्रेटर इजराइल का एक प्लान है। तो ये हदीस बड़ी क्लियर है कि जब सीरिया में, इराक में, यमन में अनरेस्ट देखो साइमल्टेनियसली होते, देन वेट फॉर मेहदी, फिर इमाम मेहदी का जो है वेट करो, फिर सैंक्शंस का जिक्र है कि मुस्लिम ममालिक पे सैंक्शंस लगेंगे। सीरिया के बारे में कि लोग वहां पे फूड ले जाना चाहेंगे, वाटर ले जाना चाहेंगे, लेकिन वहां सैंक्शंस लगे होंगे, वो एंटर नहीं हो सकेंगे वहां पे। ये कुर्बे क़यामत के हवाले से जो ना क्लियरली हमें साइंस मिलते हैं। फिर आप देखें कि किस तरह रैली हो रहा है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है विद इसराइल, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑल्दो कुछ उनके खिलाफ भी है, वो भी हदीस से साबित है कि एक झंडे तले तकरीबन 70+ कंट्रीज रैली हो जाएंगी, और उसके बाद इमाम मेहदी का जहूर होगा और प्रॉपर एक आर्मी निकलेगी इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए। एंड देन आर्मगेडन, तो बेसिकली वैसे इरफान भाई क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स की जो ग्रेट बैटल है उसको कहा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी जंगें होंगी और वो शुरू हो चुकी हैं। अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, मैं कहूंगा कुछ बहुत बड़ा मुझे होता नजर आ रहा है इन कमिंग डेज। जितना जुल्म वो कर रहे हैं, इतनी क्लीनसिंग कर रहे हैं, तो मुझे तो, मैं तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ, करना तो नहीं चाहिए, पनाही मांगनी चाहिए और आफियत मांगनी चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स कमिंग टू अस एज वेल, मतलब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ आवर कम्फर्ट जोन्स, हमें भी थोड़ा सा ना शऊर बेदार अपना करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए टफ टाइम्स के लिए। अल्लाह आसानी करे, बट दिस इज रियलिटी हदीस की रोशनी में जो मैंने आपको जाना। आपने अभी बात की मदीना की वीरानी के हवाले से, मदीना की वीरानी से आपकी क्या मुराद है? देखिए, इसमें बेहतर तो उलमा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज के मे बी इट मींस के वो ईमान चला जाएगा जिसमें मदीना बिल्ड हुआ था, और वो स्पिरिट खत्म हो जाएगा मुसलमानों में, बिकॉज मदीना इज दी एपी सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड स्पिरिट। तो मेरे ख्याल में इससे ये मुराद है कि मुसलमानों में वो दम नहीं रहेगा, जो कि आज नजर भी आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, यानी 57 मुस्लिम कंट्रीज, बट दे कांट इवन, यू नो, इतना भी नहीं कर सकते कि बॉर्डर खुलवा लें और उन तक कुछ पहुंचा दें। वो साफ हमें नजर आ रहा है, अल्लाह माफ करे। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह नोज इससे क्या मुराद है, अल्लाह नोज बेस। तो ये क्या वही सिचुएशन आ रही है दज्जाल का ज़हूर और सारा कुछ, वो सारी चीजें भी हैं कि वो भी आगे हैं? वो देखिए, इसमें दज्जाल के कॉन्सेप्ट को बहुत लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट किया, तो हाउ डू यू डिफाइन दज्जाल? दज्जाल डेफिनेटली एक पर्सन है, और हदीस में वो एक आइलैंड में कैद है अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ तमीम अद्दारी, वो एक्चुअली मेट हिम ऑन दैट आइलैंड। वल्लाह आलम कौन सा आइलैंड है, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन ये कि इमाम मेहदी का जब जहूर होगा तो वो गुस्से में जंजीरें तोड़ के बाहर आएगा, ये सही हदीस से साबित है। तो देखिए, दज्जाली सिविलाइजेशन तो है करंटली, वी आर लिविंग इन दैट बिकॉज इट इज द मैसिव एज ऑफ डिसेप्शन, क्योंकि दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जल व्हिच मींस डिसेप्शन, और दज्जाल आपको पता है मास्टर ऑफ डिसेप्शन होगा, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथ में जन्नत होगी बट इट्स एक्चुअली हेल, और उसके हाथ में आग होगी बट इट्स एक्चुअली पैराडाइज, यानी हर चीज उलट हो रही होगी। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उलट हो चुकी होगी, फितरत से इंसान हट चुका होगा, इतना कैप्टिवेटेड होगा उस सो कॉल्ड, यू नो, ग्लैमरस सिविलाइजेशन से कि इंसान आखिरत के बारे में सोचना ही छोड़ देगा, प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो जाएंगी, यू नो, ये सारी डिसेप्शन है। उसमें लहाफ, वो डॉक्टर सार तो तीन लहाफ का जिक्र करते थे ना, कि एक तो साइंटिफिक नॉलेज का लहाफ है, यानी साइंटिफिक नॉलेज के हम खिलाफ नहीं है, बट वो साइंटिफिक नॉलेज जो अल्लाह के खिलाफ है, यानी जो इस नीयत से निकला है कि हमने खुदा को निगेट करना। आज आप देखें साइंटिफिक कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ इट इज बीइंग रन बाय एथियस्ट, हालांकि बहुत से साइंटिस्ट जो है वो एथीस्ट है, गॉड के बिलीवर है, लेकिन उनको इतना मीडिया नहीं, कवरेज नहीं दी जाती, ज्यादा किनको दी जाती है एथीस्ट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान कि लोगों को एथीस्ट बनाए, और आपको पता है जब खुदा का वजूद और खुदा के कॉन्सेप्ट से लोग गए, पीछे कुछ ना बचा, पीछे फिर ह्यूमन बींग वीक हो गया, एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया। तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान कि इन्हें वल्नरेबल करो, इनको स्लेव्स बनाओ, इनको डम बनाओ, लिटरली लिविंग ज़ॉम्बीज इनको बनाओ। और आपको पता ना कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले कहत साली होगी, बहुत एक मैसिव फेमिन आएगा ग्लोबल फेमिन। कोई 30-1 हैं दज्जाल जो अनाउंस होंगे, कोई दज्जाल लेकिन वो नहीं होंगे, कोई ऐसे ही मैंने छोटे छोटे दज्जाल भी इरफान भी आते रहेंगे ना, उनमें से मे भी कोई झूठा नबी हो सकता है, तो वो आने शुरू हो भी चुके हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ। जी जी, हिस्ट्री में भरे हुए आप देखें, बिल्कुल आने। अब तो मैं समझता हूँ जो बड़ा दज्जाल है उसका टाइम करीब है, और जैसे मैंने 3 साल ग्लोबल फैमिन का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन भी हमें मिलता है। साहबा ने पूछा था कि उस दौरान हम क्या खाएंगे, क्योंकि फैमिन होगा, हम अपने आप को फिजिकली कैसे रखेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तुम इस जिक्र के साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो जिक्र है दिस विल बी योर डाइट, और ये तुम्हें काफी हो जाएगा। इसमें भी बड़ी ना एक डेप्थ है इस आंसर में,
और वाकई ही जिक्र इज द आंसर आई बिलीव। अच्छा कहीं ऐसा भी है कि जिक्र जो है ये जो कहत आएगा वो जिक्र का कहत होगा या क्या फूड एंड न्यूट्रिशन का कहत होगा क्या? नहीं वो क्लियरली आ रहा है उसमें आता है कि फरमाया कि साली ये नहीं है कि जमीन कुछ उगाएगी नहीं, जमीन उगाएगी लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सोचा जाए इरफान भी, तो अल्लाह न करे अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो आपको पता है कि जो गामा रेडिएशन है उसकी वजह से जमीन टोटली बंजर हो जाती है, अगर कुछ उगे भी तो वो रेडिएशन की वजह से नस्लों तक वो खाने का भी नहीं होगा। एग्जैक्टली तो लेट सी, स्मोक का भी जिक्र, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिग स्मोक जो क्यामत की 10 साइंस है, तो उसमें स्मोक को कुछ स्कॉलर्स को मैंने सुना है तशबीह देते न्यूक्लियर वॉर की जो स्मोक होती है, बट अल्लाह ना करे, आपको पता है कि ये बहुत एक इसकी ना हमें ख्वाहिश करनी चाहिए ना एंटिसिपेट करना चाहिए, बट ये भी एक व्यू मिलता है कि मे बी कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए उसके आने से पहले, उसकी वजह से ग्लोबल फैमिन ना आ जाए। राइट, फिर तुर्की के जाने का भी एक हदीस से हमें हिंट मिलता है, उसके बाद रीकॉन्कर होने का भी हमें जो है वो उस हदीस से मिलता है कि वो रीकॉन्कर हो जाएगा। तो बहुत चीजें हैं इरफान भी, अगर हमें जोड़े ना सबको, इफ वी कनेक्ट द पजल्स, तो नजर आ रहा है कि टाइम करीब है, अल्लाह माफ करे। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वी शुड मेंटली प्रिपेयर, बिकॉज तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे मुसलमान इमाम मेहदी के टाइम में। एक जो आउटराइट रिजेक्ट करेगा, अल्लाह न करे हम उनमें से हो जो कंफर्ट जोन के आदि हैं, इमाम मेहदी को रिजेक्ट करें, इमाम मेहदी को आउटराइट रिजेक्ट और अपोज करेंगे, यस अपोज एंड आउटराइट रिजेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम्स। एक है जो उनको ज्वाइन कर लेगा, और आपको बताया कि वो वॉर्स का टाइम है और बड़ा क्लियर है उसमें, वो लोग शहीद भी होंगे और वो कायनात के वन ऑफ द ग्रेट शुहदा में से होंगे हदीस में। एक वो है जो उनकी रोड क्रिएट करेंगे, स्पोर्ट्स सिस्टम क्रिएट करेंगे, और अल्लाह करे हम उनमें से बन जाएं कि वो जो रोड है उसमें शायद कोई कंकरी हमारी तरफ से डल जाए, कोई थोड़ा हिस्सा डल जाए। तो इसीलिए इरफान में इट्स हाई टाइम, ये मारना पड़ती है मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से कि जाग जाओ, मतलब क्लियर हो जाए, तुम्हें पता लग जाए कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा खैर खा है, कौन दुश्मन है तुम्हारा। तो ये मार हमें पड़ी है, हमारे सामने वाजे हो चुकी हैं चीजें, अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर अल्लाह माफ करे, पता नहीं हमारी जनरेशन का क्या बनेगा। तो इट्स हाई टाइम हम अपनी जनरेशन को तैयार करें इंशाल्लाह। तो आप जब ऐसी सारी बातें करते हैं इसी किस्म की, तो ये बातें जो है हमें मेंबर से नहीं मिल रही है, ये जो प्रिपरेशन है या ये तैयारी का जो अमल है वो सारा वहाँ पे ऐसे अगेन अनफॉर्चुनेट कि नहीं हो रहा। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलते हैं? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिकॉज आई बिलीव के हमारे मुल्क में अभी तक माशाल्लाह इवन गवर्नमेंट और हमारे आर्मी और एयरफोर्स का जो इदारा है वो इस्लामिक माइंडेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देर आर वेरी गुड पीपल आउट देयर। मुलाकातें भी हमारी होती हैं तो वो उनमें वो जज्बा, वो स्पिरिट, पैशन नजर आ रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियो पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स है आज की दुनिया की, यू नो अबाउट इट, कि शायद एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन द विल इज देयर, द डिटर्मिनेशन इज देयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सपोजिशन तो अभी तक नहीं आई, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बाकी मेंबर पे मेरे ख्याल आवाज उठना शुरू हो रही है इरफान भी, मुझे पता लगा है, खुद जो खतीब है उसमें इस पर काफी आजकल बात कर रहे हैं, बट वही बात है, साइनर्जाइज होने की जरूरत है, साइनर्जी क्रिएट करने की, तभी एक मैसिव चेंज आएगी। अगर अपने अपने कोनों में रह के काम करेंगे, मिलेंगे नहीं इकट्ठे, जैसे माशाल्लाह देखें हमारा और आपका विजन सेम है, तो मिलना चाहिए आपस में, बैठना चाहिए इकट्ठे, डिस्कशन होनी चाहिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि उलमा के साथ हम मिलें, मदारिस के साथ मिलें, मसाजिद को एक्टिव करें, और इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स आएँ, एकेडेमिक आर्गूमेंट्स आएँ, ये नहीं कि बस एक वो कोक की झाग की तरह जोश पैदा किया जा रहा है और अदरवाइज एम्प्टी एक्शन है, कुछ भी नहीं है। नहीं, हमें एकेडेमिकली स्ट्रॉन्ग करना है अपने लोगों को, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये साइनर्जी के साथ आई बिलीव क्रिएट होगा।